जन्म से ही लाचार पर पोलियो से पीड़ित व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए कुंडिया तहसील की स्माइल फाउंडेशन ने 11,000 की आर्थिक मदद पहुंचाकर राहत प्रदान की है। स्माइल फाउंडेशन कुंडिया ने कुंडिया तहसील के अंतर्गत कोरली गांव में एक जरूरतमंद परिवार जिसका घर का मुखिया जन्म से ही पोलियो से ग्रसित है और किसी भी काम को करने में असमर्थ है। व्यक्ति के परिवार में उसकी पत्नी और दो लड़कियां और एक लड़का भी है, लेकिन घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी पत्नी पर है, जो कि मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रही है। इनकी सबसे बड़ी लड़की की शादी इसी माह होना निश्चित हुई है, पर घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। जब स्माइल फाउंडेशन खुनिया को इस परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने काम के अनुरूप इनकी 11,000 की आर्थिक सहायता की और उनकी चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश की। स्माइल फाउंडेशन के सदस्य अश्विनी राणा, मनु राणा, सोनी राणा, सम्मी राणा, पंकज, अंशुल जम्बाल और रोकी राणा ने पंचायत प्रधान, प्रशासन और प्रदेश सरकार से इस गरीब परिवार और इस तरह के अन्य परिवारों की मदद करने की मांग की है, ताकि ऐसे असमर्थ लोगों का भी जीवन स्तर समाज में ऊपर उठ सके। आज हम स्माइल फाउंडेशन की तरफ से खुनिया तहसील के कोरली गाँव में आए हुए हैं। यहाँ पर श्री प्रदीप कुमार जी, जो कि बचपन से ही पोलियो से ग्रसित हैं, उनके परिवार में उनके अलावा उनकी धर्मपत्नी, दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं। इस परिवार के पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी धर्मपत्नी के ऊपर ही है, जो कि दिहाड़ी वगैरह लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इनकी पुत्री का विवाह 30 अक्टूबर को होना तय हुआ है। जब स्माइल फाउंडेशन को पता चला कि ये परिवार आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है और उनकी पुत्री के विवाह भी 30 अक्टूबर को होना तय हुआ है, तो स्माइल फाउंडेशन ने आगे बढ़कर इनकी 11,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। इसके अलावा मेरा ग्राम पंचायत प्रधान और गांव वालों से भी निवेदन है कि वे सब आगे बढ़कर इस परिवार की इस जरूरत के समय में जितनी भी मदद हो वो करें। इसके अलावा मेरा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से ये निवेदन है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ स्माइल फाउंडेशन में जुड़ें और हमारे साथ मिलकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में हमारी मदद करें, ताकि हम जो हैं इस संसार में जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं, जो भी लोग ज़रूरत में हैं और अपनी अलग अलग तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं, हमारे द्वारा जितनी भी यथासंभव कोशिश हो सके, जितनी मदद हो सके, हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।